क्लास 12th के सभी विद्यार्थी लोजी आ गया आपको जिस घड़ी का इंतजार था आपके हिंदी का, ठीक है। अर्धवार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्र के लिए सेट सी, ये रहा आपका सेट ए, पहले बता दिया अगले वीडियो में, और ये सेट बी भी आपको समझा दिया है ना। नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। वास्तव में नंबर चाहिए ना तो कंप्लीट कर लो, है ना भैया। चलिए तो देर किस बात की, फटाफट से शुरू करेंगे। श्याम नगर के दरबार राज दरबार का दर्शनी जीव कौन था? लुठन सिंह। आनंद के मराठी अध्यापक का नाम क्या था? उनका नाम था सोदल गेगल। जिस वाक्य में एक ही संज्ञा और क्रिया का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? देखिए, जिसमें एक ही संज्ञा और एक ही क्रिया हो उसे हम कहते हैं सरल वाक्य, ठीक है। उत्तेजना के मूल कारण को कहा जाता है उत्तेजना, उसको कहते हैं अपन विभाव। हिंदी कविता का जागरण काल किस युग को माना जाता है? भारतेंदु युग को। कविता फूलों के बहाने है खिलना, भक्ति की कहानी अधूरी है पर उसे डिडेस में इसे पूरी नहीं करना चाहती, तो इसका क्या जाएगा? खोकर। भक्ति की कहानी जो है अधूरी है, लेखिका कह रही है लेकिन इसे खोकर में पूरा उसे भी नहीं करना चाहती। नागार्जुन के कवि है, नागार्जुन जो है वो किस प्रगतिवाद के कवि है? तो यहाँ पर लिख देता हूं मैं प्रगतिवाद, है ना भैया। चलिए, बच्चे डिडेस को नरम बनाते हुए दौड़ते हैं छतों को, और मास्टर जी क्या पढ़ाते थे भैया? मराठी पढ़ाते थे। मराठी लोक प्रसिद्ध उक्ति क्या कहलाती है? लोकोक्ति कहलाती है। लोक प्रसिद्ध उक्ति क्या कहलाएगी? लोकोक्ति। अलंकार में अंत तक संशय बना रहता है, कौन से अलंकार में? संदेह अलंकार में। हो गया भैया, चलिए आगे बढ़ाते हैं भैया, अच्छे से कंप्लीट करना आपसे ना। यहां से देख लेना अगला है ये बात, कैमरे में बंद अपाहिज, है ना, कैमरे में बंद अपाहिज, इसका जाएगा रघुवीर सहाय। तो कृष्ण भक्ति शाखा की प्रतिनिधि कवि सूरदास। प्रगतिवाद रामधारी सिंह दिनकर। बजमे जिंदगी फिराक गोरखपुरी। सुमित्रा नंदन पंत चित्रभाषा। अंदर बाहर शब्द युग्म। मुक्त काव्य का जाएगा बिहारी सतसई। मोहन राकेश के प्रसिद्ध नाटक का नाम बताइए, लहरों के राजहंस। कविता का खिलना कौन नहीं जानता है? फूल। बिंब का शाब्दिक अर्थ बताना है, मूर्तत्व प्रदान करना। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाला संभाषण क्या कहलाता है? संवाद कहलाता है। पंचतंत्र में किस प्रकार की कहानियां लिखाई गई है? शिक्षाप्रद। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? मोहनजोदड़ो। लुठन पहलवान को पाल पोसकर बड़ा किसने किया था? विधवा सास ने, ठीक है। भगत जी का चूरन हाथों हाथ बिक जाता है, बिल्कुल सत्य है। यशोधर बाबू की शादी 6 फरवरी 1957 को हुई थी। आह तुम आ गए आज्ञावाचक है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव हास है, नहीं रहती है, ठीक है। प्रयोगवादी कवियों ने प्रकृति का मानवीकरण किया है, ठीक है। ये सब आ सकते हैं ना, देख लिए। क्वेश्चन नंबर 6 आपका, सीरीज का पेड़ भयंकर लू के थपेड़े खाकर संसार को क्या देता है? श्रम विभाजन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। आदर्श समाज किस प्रकार, आदर्श समाज किस पर आधारित होगा? यहाँ से क्वेश्चन नंबर 8 हो गया आपका, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, डेस्क किसे कहते हैं? जनसंचार क्या है? हिंदी के 2 खंड काव्यों और उनके रचनाकारों के नाम आपको बताने हैं। व्यतिरेक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित। रुबैया छंद की परिभाषा आपको बतानी है, ठीक है। शब्द शक्ति किसे कहते हैं, इसके भेद बताइए। वाक्य परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? मुहावरा किसे कहते हैं? राष्ट्रभाषा से आप क्या समझते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, ये 15, 16,
अच्छे से मेहनत कर लीजिएगा, यही प्रश्न आपके लगभग 70% आने वाले हैं। जो चीजें आपके पेपर में आ रही है वही मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। यहां से आप देख लीजिएगा, ये हो गया है क्वेश्चन नंबर 17 है, शमशेर सिंह बहादुर और तुलसीदास की काव्यगत परिचय लेना है आपको, विशेषता है। दो रचनाएं भावपक्ष साहित्य में स्थान, थनीश्वरनाथ रेणु तथा जैनेन्द्र कुमार का साहित्य परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर दीजिए। दो रचनाएं भाषा शैली साहित्य में स्थान, साहित्य समाज का दर्पण है, ठीक है। मैं दीवानों सा वेश लिए फिरता हूं, मैं मादकता निषेध लिए फिरता हूं, जिसको जग सुनकर जग झूम उठे लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूं। ये सारी चीजें आपको है ना अच्छे से समझाई भी जाएगी, आपको कंप्लीट कर लो अर्धवार्षिक के लिए। जो बच्चा वार्षिक के लिए अच्छे से मेहनत करना चाह रहा है, 5 पेपर मैं आपको दूंगा वार्षिक के, इम्पोर्टेंट दूंगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट, कोई एकदम रियल पेपर एक 2 महीने पहले से नहीं आता है, तो आप भी जानते हो ना वार्षिक पेपर, ठीक है। 5 इम्पोर्टेंट पेपर बताऊंगा, उसी से आपका वार्षिक पेपर में आएगा, घबराना नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर